गेंदबाजी कर रहे रोहित शर्मा का मोड़ा घुटना। आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। राहुल चाहर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने कोलकाता को 10 रन से हरा दिया। मैच आखिरी ओवर तक गया। केकेआर को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे लेकिन वो बना नहीं पाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर आसानी से जीत जाएगा लेकिन आखिरी के 5 ओवर में मुंबई ने जबरदस्त वापसी की और मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैच में कुछ ऐसा हुआ जिससे फैंस हैरान रह गए। रोहित शर्मा गेंदबाजी करने उतरे, जैसे ही उन्होंने पहली गेंद डाली तो उनका घुटना मुड़ गया। दर्द के मारे वो जमीन पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केकेआर 13 ओवर में 3 विकेट खोकर 104 रन बना चुका था। क्रीज पर नीतीश राणा और साकिब अल हसन मौजूद थे। 14वां ओवर रोहित शर्मा करने आए उस वक्त केकेआर को जीत के लिए 42 बॉल पर 49 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा जैसे ही पहली गेंद करने दौड़े तो उनका घुटना मुड़ गया। दर्द के मारे वो उछल पड़े और जमीन पर बैठ गए। फिजियो को ग्राउंड पर आना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। फैंस देखकर घबरा गए और ट्विटर पर लिखा, कंगाली में आटा गीला। राहुल चाहर और कृणाल पांड्या की शानदार फिरकी गेंदबाजी के दम पर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराकर शस्त्र की पहली जीत दर्ज की। केकेआर को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 31 रन चाहिए थे और वह 6 विकेट बचे हुए थे लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने उनके जबड़े से जीत छीन ली। राहुल ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए तो वहीं कृणाल ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया। ट्रेंट बोल्ट ने भी आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए। आंद्रे रसेल के आखिरी ओवर में 5 विकेट के लिए, जिससे मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। नीतीश राणा और शुभमन गिल की पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी के बाद भी केकेआर की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। आईपीएल में आपकी फेवरेट कौन सी है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।